पर इसे मेरा सौभाग्य कहूं या तुम्हारा दुर्भाग्य। ये पहली सुलझाना मेरी विवशता नहीं है, तुम्हारी है। तुम्हारे डिमो को तो देखकर लग रहा है कि मैंने शक्तिशाली पुत्रों की मांग करके बिल्कुल सही किया। तुम स्वयं देखो ना, मेरे पुत्र स्वयं ही अपने डिमो से बाहर आ गए, उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी। किंतु तुम्हारे पुत्र पता नहीं इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरे पुत्र स्वयं ही अपने डिमो से बाहर आ गए, किंतु तुम्हारे पुत्र पता नहीं इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु? क्यों मेरा मन अपनी ही बहन के पुत्रों को देखकर ईर्ष्या से भर उठा है? क्यों मेरे हृदय में अपने डिमो के विषय में शंका बढ़ती जा रही है? इस उहापोह की स्थिति में और अधिक रहना मेरे लिए संभव नहीं है नारायण। मुझे मेरे पुत्र प्रदान कीजिए, या तो मां बनने की मेरी आशा को ही समाप्त कर दीजिए, या फिर मुझे कोई स्पष्ट संकेत दीजिए कि मेरे डिम संतान ही नहीं है, उनमें मेरे पुत्र पल रहे हैं, वो सुरक्षित हैं। मुझे बताइए प्रभु, कोई संकेत दीजिए। जिस बालक ने अभी जन्म भी नहीं लिया, तू उसे शत्रु मान बैठी है? अपनी बहन के साथ ऐसा विश्वासघात की कि उसके पुत्र के अस्तित्व को मिटाना चाहती है तू, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि वो तेरे पुत्रों से अधिक शक्तिशाली होगा। क्यों इतना घनघोर विश्वास है तुझे कि वो तेरा और तेरे पुत्रों का अहित ही करेगा? तेरी बहन की सच्चाई, उसके स्नेह, उसके संस्कारों पर तनिक भी विश्वास नहीं है। ऐसी कौन सी समाधि में लुप्त है प्रभु, जो अपनी भक्त की पुकार आप तक पहुंच ही नहीं पा रही है? ना आपको इस मां की पीड़ा दिखाई दे रही है, ना ही मेरी इन संतानों को। क्यों प्रभु, क्या कमी रह गई थी मेरी साधना में, मेरी ममता में? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्रों को मेरी पुकार सुनाई तो दे रही है, किंतु ये विवश है? कद्रू दीदी के पुत्रों की तरह इतने शक्तिशाली नहीं है कि डिम का कठोर आवरण तोड़कर स्वयं बाहर आ सके। किंतु मैं इन डिमों को केवल निहारती नहीं रह सकती हूँ, थक चुकी हूँ इन्हें ताकते ताकते। मेरी भी इच्छा है कि मैं अपने पुत्रों को वैसे ही खिलाऊं जैसे कद्रू दीदी अपने पुत्रों को खिलाती है। अब मुझे ज्ञात करना ही होगा डिमों के भीतर मेरी संतान पल रही है या नहीं।
इतना समय तुम्हारी संतानें टीमों में से बाहर आने में लगा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं मिलता क्योंकि तुम्हारे डीम सड़ गए हो? पुत्र पाने की इच्छा में तुमने कुछ अधिक, क्योंकि स्वाभाविक जन्म होता तो अब तक हो गया होता ना। तुम्हारे डीम सड़ गए, पानी इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो? यदि मैं चाहती हूँ कि मेरे पुत्र सबसे अधिक शक्तिशाली हो, अपने शत्रुओं पर विजय पाने में सक्षम हो, तो उसमें क्या अनुचित हुआ जब दुर्वासा ऋषि ने विंता का पक्ष लिया था? उसमें कुछ अनुचित नहीं था जब बालखेल ऋषि ने स्वामी को पुत्र के रूप में आकाश का इंद्र पाने का वरदान दिया था? तब मेरे पुत्र जन्म ले चुके थे और विंता के पुत्रों का जन्म होना शेष था, उसमें कुछ अनुचित नहीं था? और यदि आज मैं अपने पुत्रों का हित करना चाहती हूँ तो अनुचित कैसे हुआ? अपने पुत्रों को शक्तिशाली बनाने की महत्वाकांक्षा रखना अनुचित नहीं है कद्रू, किंतु किसी और के पुत्र को जन्म लेने से पहले मारने की षड्यंत्र की रचना करना अनुचित है। अपनी बहन के मन में शंका का बीज इतनी गहराई तक बो देना कि वो अपने ही पुत्रों का हित कर बैठे, और यदि ये पाप तूने किया है तो इसका परिणाम तुझे और तेरे पुत्रों को भुगतना होगा। यदि आज तेरे षड्यंत्र के कारण विंता ने अपने डिमो को नष्ट कर दिया तो स्मरण रखना, भविष्य में तेरे पुत्रों के विनाश का कारण तू स्वयं होगी। तुम्हारे डी में सड़ गए, पता नहीं इतने सामर्थ्य है भी या नहीं कि इन्हें जन्म लेने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता हो? मेरे पुत्र 500 वर्षों से इन डिबों में प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि मैं इन्हें बाहर निकालूं, ये मुझे देखे, अपने पिता को देखे, सारे संसार को देखे, मैं इनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। अब मैं वही करूंगी जो इस परिस्थिति में कद्रू दीदी करती है, 500 वर्षों से मैं प्रतीक्षा कर रही हूँ, अब और नहीं, अब मैं अपने पुत्रों का मुख देख कर ही रहूंगी, जन्म लेने में इनकी सहायता अवश्य करूंगी मैं। लाल आभा वाले मेरे पुत्र,
ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा पाग। इसका मूल्य आपको चुकाना होगा। अपने किए का दंड आपको भोगना होगा माता। अर्थविकसित विकलांग है, फिर भी कितना शक्तिशाली है ये बालक। किसके प्रकाश से पूरा आकाश लाल हो गया है। यदि क्रोध में उसने मुझे कोई श्राप दे दिया तो पुत्र कुछ मत कहिए। इस समय आपके मुख से निकला हुआ है एक शब्द मेरे इस अधूरे तन और मेरे टूटे हुए मन पर और अधिक आघात करेंगे। ईर्ष्या के कारण आप अपना विवेक किस हद तक खो बैठे कि ना तो अपने श्रद्धा रखी ना ही धैर्य ना ही महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद का मान रखा ना ही महाशिव के परिजात माला की गरिमा। जिसे जो धारण करेगा उसे ऐसी प्रतापी संतान प्राप्त होगी। बाल खिलने जैसे महान ऋषियों के तप को आपने अपनी अधीरता के कारण विफल कर दिया। हाँ बलवान, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। स्वयं महाप्रभु विष्णु ने आपको अपने पुत्रों के जीवित होने का संकेत भी दिया था माता, किंतु आपने उसे भी अनदेखा कर दिया। मेरे भाई ने आपको अपने अस्तित्व का आभास कराने के लिए आपको माँ कहकर पुकारा था माता, किंतु आपने उसे भी अनसुना कर दिया। माँ, पुत्र, तुम सत्य कह रहे हो पुत्र, बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे। आपसे हुई है भूल, आपसे हुई है भूल, किंतु निर्दोष होने के बाद भी इस भूल का दंड आजीवन मुझे भोगना होगा माता। एक माँ का कर्तव्य होता है अपने पुत्र की रक्षा करना, किंतु आप तो ऐसी माँ निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। इसकी पीड़ा मुझे आजीवन शारीरिक और मानसिक रूप से सहनी होगी। जब जब अपने ही साधे अपंग शरीर को देखूंगा आपको ही अपना अपराधी पाऊंगा। आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। इस समय जो भीषण और असहनीय कष्ट मुझे हो रहा है ऐसा ही कष्ट
आपको भी प्रतिफल सहना होगा। जिस बहन की बातों में आकर आपने मुझे ये श्रापित जीवन दिया है, वही बहन आपको आजीवन कष्ट देगी। और अब जाकर भी उसके आदेशों को अनसुना नहीं कर पाएंगी माता। जिस प्रकार मैं कभी स्वच्छंद उड़ान नहीं भर पाऊंगा, उसी प्रकार आप कभी स्वतंत्र नहीं रह पाएंगी। जिस प्रकार मैं अपनी विवशता का दास बन गया, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेंगी। ये श्राप है मेरा। ईशान मोह में अपना विवेक खो बैठी थी मैं, पर तुझे कष्ट पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। तेरे नेम को फोड़ने की भूल अनजाने में हुई है मुझसे, और इस भूल के परिणाम स्वरूप इतना बड़ा श्राप मिल गया मुझे। ऐसे जीवन से तो अच्छा है तू मुझे मृत्यु दे देता। क्रोध भी उतना ही बड़ा दोष है माता, इतना कि मोह और मत्सर। अपने क्रोध में मैं आपकी पीड़ा और पश्चाताप को देख ही नहीं पाया। आपकी ईर्ष्या तो देखी, तो उसके पीछे छिपी आपकी ममता का आभास नहीं कर पाया मैं। मुझसे भी भूल हो गई माँ। यदि मैं अपने श्राप को वापस ले सकता तो वो संभव नहीं है पुत्र, किसी के लिए भी नहीं। इस श्राप ने मेरे लिए नर्क के द्वार खोल दिए हैं पुत्र। ऐसा नर्क जिससे मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। कोई तो उपाय होगा माता, कोई तो माध्यम, कुछ तो होगा जिससे मैं। यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है, तो वही आपका यह दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा। आपकी और पिताजी की इच्छा थी कि आपके पुत्र माता पिता की भक्ति के आदर्श बने, किंतु मेरे क्रोध ने मुझे इस पुनित उद्देश्य में विफल कर दिया। और अब मेरा वरदान मेरे श्राप को विफल करेगा। 500 साल बाद जन्म लेने वाला आपका यह पुत्र आपको इस दास्ता से मुक्त करवाने के लिए आकाश पाताल लेकर देगा मां।
इस संसार में परोपकार का ऐसा आदर्श प्रस्तुत करेगा कि इसकी महिमा का गुणगान युगों युगों तक किया जाएगा। जब तूने श्राप दिया था मुझे लगा था मेरा समस्त जीवन अब अंधकार की अथाह खाई में डूब गया है, पर अपने भाई को यश का वरदान देकर तूने मेरे अंधकार में आशा का उजाला भर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है पुत्र, तू इस जन्म दोष से नहीं अपने कर्म से जाना जाएगा। ना स्वयं कभी हताश होगा, ना किसी को हताश होने देगा। अब श्रद्धा और धैर्य के साथ 500 वर्ष मेरे भाई के जन्म लेने की प्रतीक्षा कीजिएगा माँ। भगवान विष्णु के प्रताप से होने वाली आपकी संतान का वर्चस्व संपूर्ण आकाश में स्थापित होगा। महाबुद्धिमान महाबलवान आकाश का इंद्र कहलाएगा वो, आकाश का इंद्र कहलाएगा वो। यदि आपके एक पुत्र ने आपको भीषण श्राप दिया है तो वही आपका ये दूसरा पुत्र आपको श्राप के बंधन से मुक्त करवाएगा।